बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे पटाटो नगेट्स। जिसके लिए लिए हैं आधा किलो आलू हमने लेके, इनको हमने बॉईल कर लिया है नमक के पानी में। नमक के पानी में बॉईल करने से आलू बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बॉईल होते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी हरी प्याज हमने ली है, बिल्कुल थोड़ी सी, जस्ट फ्लेवर के लिए। एक चाय का चम्मच हमने काली मिर्ची ली है, एक चम्मच हमने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, लाल मिर्चें ली हैं। ब्रेड का चूरा हमने 3 चम्मच लिया है। चाट मसाला हमने 1 चाय का चम्मच लिया है। कुटा कुटा धनिया हमने 2 चाय के चम्मच लिए हैं। और भुनी हुई कुटी हुई मिर्चें हमने 1 चाय का चम्मच लिया है। गरम मसाला हमने आधा चाय का चम्मच लिया है। और नमक हमने 1 चम्मच लिया है। एक बार फिर से आप सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको पोटैटो नगेट्स बनाने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले एक बॉल के अंदर आप आलू को अच्छे तरीके से कश कर लीजिए। इस तरह से नगेट्स आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आलू को नमक के पानी में हमने इसलिए बॉईल किया है ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गल के हलवा हो जाए, क्योंकि आजकल नए आलू आ रहे हैं तो इसलिए पता नहीं चलता गलने में कितना टाइम लेंगे। पोटैटो मैश हो चुके हैं हमारे, इसको आप हाथ की मदद से, उंगली की मदद से बिल्कुल साफ़ अच्छे तरीके से कर लीजिए। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, हम आपको कोई भी चीज़ ज़ाया करने के लिए नहीं कहते हैं। आप अपने हाथों के सफाई का ख़ास ख्याल रखें ताकि आप हाथों से हर चीज़ को काम में ले सकें। सबसे पहले हम इसके अंदर हरी प्याज डालेंगे। अब इसके अंदर कुटा हुआ धनिया डालेंगे। इसके बाद काली मिर्चें डालेंगे। इसके बाद लाल कुटी मिर्चें डालेंगे। सारे मसाले हमने घर के लिए हैं, इसीलिए हम आपको नगेट्स भी घर के बनाना सिखा रहे हैं ताकि आप ये बना के साफ़ सुथरे खा सकें, एंजॉय कर सकें और हमें बता सकें कि आपको ये कैसे लगे। अब गरम मसाला डालेंगे। अब भुनी हुई मिर्चें, चाट मसाला, और आखिर में हम इसके अंदर ब्रेड का चूरा डालेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। ब्रेड का चूरा हमने 2 चमचे लिया था, बाकी सारे मसाले हमने आपको बता दिए हैं कि हमने किस तरह से लिए थे। ये बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है। वैसे तो आप इसे कभी भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको अचानक बनाने पड़े तो आधे घंटे से पहले आपके ये नगेट्स तैयार हो जाएंगे। अच्छे तरीके से सब ये पोटैटो में मिक्स हो चुका है। अब हम इसके नगेट्स बनाएंगे। एक नगेट्स हमारा हो चुका है रेडी, इसको हमने बना लिया है। लेकिन इसको तलने से पहले हम 2 चमचे कॉर्नफ्लोर लेके उसका पतला सा पेस्ट बनाएंगे पानी में। उसे करेंगे इस तरीके से, पानी में घोल लेंगे इसको। फिर हम ये ऊपर से लगा के फिर हम अपने नगेट्स फ्राई करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आगे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमारी गलती, कोताही और तारीफ को लिख के भेज सकते हैं, क्योंकि हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। अपने हिसाब से, अपने शौक के लिहाज से आप इसकी शेप पे गौर कर सकते हैं। हमें क्योंकि गोलाई की शेप ज़्यादा पसंद है, हम इसलिए इस शेप में बना रहे हैं। हो चुके हैं नगेट्स हमारे रेडी। देखिए कितने ज़्यादा अच्छे और जायकेदार लग रहे हैं, ये सिर्फ देखने से ही। सबसे पहले इसे लेके कॉर्नफ्लोर में डालेंगे, उसके बाद इसे हम ब्रेड के चूरे में डालेंगे। इस तरह से
सब पे ब्रेड का चूरा लगा देंगे। अब इसे हम गरम तेल में फ्राई करेंगे। तेल हमारा सरसों का था, इसको हमने जला लिया था और गरम कर लिया था। हम क्योंकि सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, इसको जला के इस्तेमाल करना पड़ता है। आप लोग जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसको सिर्फ गरम कर लीजिए। इसको तलने में, पलटने में आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। एक साइड से अच्छी तरह से गोल्डन होने दीजिए, उसके बाद आप इसकी साइड चेंज कीजिएगा। इससे ये बहुत ज़्यादा अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं। जिनका रंग एक साइड से गुलाबी हो चुका था उनको हमने पलट दिया है, बाकियों को भी हम बहुत एहतियात से चिमटे की मदद से पलटेंगे। लेकिन एक साइड से गुलाबी होने के बाद ही आप दूसरे साइड से पलटिएगा। जो हो चुके हैं उन्हें हम निकाल लेंगे चिमटे की मदद से, और बाकी आपको और निकाल के दिखाते हैं कि अब ये कैसे बने। हो चुके हैं पोटैटो नगेट्स हमारे बिल्कुल रेडी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आगे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमारी गलती, कोताही और तारीख को लिख के भेज सकते हैं। ये नगेट्स बनाने का तरीका हमने आपको सिर्फ इसीलिए बताया है ताकि कोरोना की वजह से अगर आप बाहर की चीज़ों से चीज़ों को लेने से एहतियात बरत रहे हैं तो आप घर में ये बना के खा सकें। अगर आप चाहें तो इसकी कोई और शेप भी बना सकते हैं, हमें क्योंकि गोल ही पसंद है इसलिए गोल ही बनाए हैं। इसके साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।